दोस्तों चौसर की कंटेम्पररी टेल्स में कुछ स्टोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अलग से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने कंटेम्पररी टेल्स पर एक वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें मैंने सभी स्टोरीज को डिस्कस कर दिया है, लेकिन कुछ स्टोरीज हैं जैसे कि वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी, नाइट की स्टोरी, मिलर की स्टोरी और नंस प्रीस्ट की स्टोरी, और भी कई सारी स्टोरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं में से एक स्टोरी है नंस प्रीस्ट की स्टोरी, इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है, ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो मैं और भी वीडियो डिटेल से बनाऊंगा, पूरी कंटेम्पररी टेल्स को डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप मुझे कमेंट में जाकर के बताइए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंस प्रीस्ट की टेल का प्रोलॉग डिस्कस करेंगे। तो नंस प्रीस्ट की कहानी से पहले कहानी सुनाई थी मॉन्क ने, अपनी टेल सुनाई थी। तो नाइट ने सबसे रिक्वेस्ट की कि अब प्लीज़ कोई भी ट्रेजेडी मत सुनाना, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं सबके सब। इनका होस्ट जो था हैरी बैली, उसने इस बात को समझा और नेक्स्ट स्टोरी सुनाने के लिए उसने चुना नंस प्रीस्ट को। कहा कि तुम अब स्टोरी सुनाओगे, इसके साथ में दो बंदे और ट्रेवल कर रहे हैं, प्रायरस और सेकंड नन। इस नंस प्रीस्ट को सबके सब अच्छी कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं और इसने इस ग्रुप में सबसे मोस्ट मेमोरेबल कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। तो शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। इसकी कहानी एक पुअर विडो से शुरू होती है, एक विधवा लेडी होती है, एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीती है एक छोटे से कॉटेज में। इसके साथ में इसकी दो बेटियां और रहती है। इन लोगों के पास में एक मुर्गा है जिस मुर्गे का नाम है चैंटिक्लियर, जो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, मतलब कि बहुत अच्छी बांग देता है। वो जब अपनी बांग देता है तो चर्च की घड़ी भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतना एक्यूरेट बांग देता है वो। इस मुर्गी का कॉक्सकॉम कॉम, मतलब ये जो इस पिक्चर में है, ये इतना लाल है जैसे कि कॉर्न। इसकी चोंच एकदम जेट की तरह काली है, इसके पंख एकदम चमकते हुए हैं गोल्ड की तरह ब्राइट। इतना हैंडसम मुर्गा है, तो इस मुर्गे की 7 मुर्गियाँ हैं, लेकिन इसकी सबसे फेवरेट लवली मुर्गी है पर्टिलॉट। अब इसका मतलब हमें कहानी पढ़ते हुए समझ में तो आ रहा है कि नंस प्रीस्ट की कहानी जानवरों की कहानी है, जानवर जो आदमियों के द्वारा इंसानों की तरह हरकतें करते हैं। अब अगले दिन सुबह जब चैंटिक्लियर जागा तो इसने बहुत ही खतरनाक सपना देखा था। तो ये अपनी फेवरेट मुर्गी पर्टिलॉट से बोलता है कि मुझे एक खतरनाक सपना आया है कि एक जंगली खतरनाक लाल सा जानवर मुझे निगल गया, मुझे खा गया। तो उसकी मुर्गी पर्टिलॉट उसकी ये बात सुनकर उसको सुनाती है कि कैसे डरपोक मुर्गी हो तुम, मैं तो ऐसे डरपोक मुर्गी के साथ रहना कभी पसंद ही नहीं करूँगी। और वो उससे बोलती है कि एक रोमन फिलोसोफर थे केटो, नोट करते चलना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक रोमन फिलोसोफर थे केटो, वो लोगों से बोलते थे कि सपनों से डरना नहीं चाहिए, सपने क्यों आते हैं किसी फिजिकल मेलांकोली की वजह से। और वो उसे एडवाइस देती है कि दवाई लेकर इस चीज़ से छुटकारा पालो, उसकी मुर्गी उसको एडवाइस देती है। अब चैंटिक्लियर बोलता है कि केटो से भी ग्रेट लोगों ने ये बोला है कि ड्रीम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ड्रीम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बताता है कि बहुत सारे ऑथर्स ने कहा है कि बड़े बड़े मर्डर्स जो भी हुए हैं हुआ है तो सिग्नल मिला था उनको, सपनों में वार्निंग मिली थी और वो मर्डर सच भी साबित हुए। तो कहने का मतलब सपनों में मिली हुई वार्निंग्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे नाम बताता है वो, जैसे मैक्रोबियस, स्किपियो, जोसेफ और क्रोसिस, और दूसरे भी नाम बताता है जिनको मनहूस सपने आए थे। अब चैंटिक्लियर इस पर्टिलॉट की तारीफ करता है और सारे एविडेंस खुद ही प्रेजेंट करने के बावजूद कि ड्रीम्स कितने ज़रूरी होते हैं, ड्रीम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये पर्टिलॉट की बात मानता है, मतलब एंड में ही अपनी मुर्गी की ही बात मानता है, अपने ड्रीम्स को इग्नोर करता है। अब माननी ही उसी की थी तो इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया। अब एक दिन मई का महीना था, वो बड़ा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ये लंबे टाइम के लिए नहीं थी। उस रात एक रसल नाम की फॉक्स, एक लोमड़ी यार्ड में घुस आई और सुबह तक वो वहीं पर यार्ड में छुपी रही। यहाँ पर नंस प्रीस्ट ने चैंटिक्लियर को एडम से कंपेयर किया है। दोस्तों एडम ने जैसे ईव के कहने से फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, पहले ईव ने खाया था फिर एडम ने खाया था फ्रूट ऑफ नॉलेज, इसने भी वैसा ही किया, अपनी मुर्गी की बात मानकर प्रॉब्लम को खुद ही इन्वाइट किया इसने। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो चैंटिक्लियर एक बटरफ्लाई को देखने लगा,
लेकिन तभी अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि एक फॉक्स इसको देख रही थी घूर के। ये डर गया, बुरी तरह से डर गया और भागने लगा। तो ये फॉक्स बोली, अरे रुको रुको तो सही, भागो मत। बहुत मीठा मीठा बोलने लगी ये फॉक्स। वो फॉक्स उससे बोलती है कि तुम्हारे फादर एक बेस्ट सिंगर थे, मैंने सुना है, बहुत ही अच्छे सिंगर थे। जितने भी सिंगर्स मैंने आज तक सुने हैं लाइफ में, उनसे बेहतर कभी नहीं सुना कोई बेस्ट सिंगर। तो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने आई हूँ, क्या तुम मेरे लिए गाओगे? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम भी अपने फादर की तरह उतना ही अच्छा गाते हो क्या? अब चांटिक्लेयर की छाती चढ़ी हो गई, उसने अपनी छाती को बाहर निकाल लिया, पंख फड़फड़ाने लगा, आंखें बंद कर ली, गला ऊपर कर लिया, खींच लिया अपना गला ऊपर और गाने लगा। वो बस गाने ही वाला था कि रसल उसके पास आई और उसे गले से दबोच लिया कि अब कहाँ भागेगा मुर्गे, आखिर थी तो लोमड़ी, पकड़ ही लिया इसको। अब मुर्गे को पकड़ लिया गया है तो मुर्गियाँ चुप बैठेंगी क्या? वो जोर जोर लगी, जोर जोर से आवाज़ें करने लगी, इतनी ज़ोर से आवाज़ें करने लगी, यहाँ पर चौसर बोलते हैं, इतना ज़ोर से आवाज़ें करने लगी जितना ट्रॉय की औरतों ने भी नहीं किया होगा जब उस सिटी को कैप्चर कर लिया गया। जब उस विडो और उसकी बेटियों ने मुर्गियों की आवाज़ सुनी कि मुर्गियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से हल्ला क्यों कर रही है, तो भागती हुई आई यार्ड में और उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी हमारे मुर्गे को मुंह में उसकी गर्दन से दबोच कर उसको लेके जा रही है। तो ये सारे के सारे मिलकर उस लोमड़ी के पीछे लग गए, यहाँ तक कि फार्म के सारे एनिमल्स थे वो भी उस लोमड़ी के पीछे लग गए। ऐसा लग रहा था, यहाँ पर चौसर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे 1381 में एक पीसेंट रेवोल्यूशन हुआ था जिसको लीड किया था जैक स्ट्रॉ ने। तो उस रेवोल्यूशन में जैसे लोग उसके पीछे पीछे थे जैक स्ट्रॉ के पीछे, वैसे ही यहाँ पर उस लोमड़ी के पीछे सारे के सारे फार्म के एनिमल लग गए थे। वो लोमड़ी मुर्गी को मुंह में दबाकर भाग रही थी, तो ऐसे में वो मुर्गा चांटिक्लेयर उस फॉक्स के मुंह में दबा हुआ था, उसने उस फॉक्स को सजेस्ट किया कि तुम्हारे अंदर बोलने की इतनी अच्छी स्किल्स हैं, तुम उसका यूज़ करके इन सबको रोक सकती हो, तो रोक क्यों नहीं देती, भाग क्यों रही हो उतना? वो लोमड़ी को ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ मुझ में स्किल्स तो हैं। लोमड़ी जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, मुर्गा फ्री हो जाता है। फ्री होते ही वो जाकर ऊपर ही ऊपर पेड़ पर बैठ जाता है। ये चीज़ देखकर लोमड़ी फिर से उस मुर्गे की चापलूसी करने लगती है, लेकिन मुर्गा अब लेसन सीख चुका था, वो नीचे नहीं आने वाला था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स, चापलूसों पर कभी ट्रस्ट मत करो। हनी सुनने के बाद होस्ट हैरी बैली नंस प्रीस्ट की तारीफ करता है इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए, क्या कमाल की स्टोरी सुनाई, और उस प्रीस्ट से बोलता है कि तुम खुद इस स्टोरी के हीरो हो, बस तुम्हारे पास मुर्गियां नहीं हैं, मुर्गियों की ज़रूरत है जो तुमको कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि तुम क्लर्जी से जुड़े हुए हो, क्लर्जी के मेंबर हो, प्रीस्ट हो। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।